गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं और लाडो अभी से ब्लॉग स्टार्ट किए हैं और लाडो ना बहुत रो रही है गुस्सा गुस्सा करके। लाडो ने करवा चौथ की शॉपिंग कर ली है, आपके साथ में शेयर करेगी। अभी मुझे नेल पेंट चेंज करनी है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी अच्छा सा ना आप चूड़ा का सेट या फिर कौन से कलर पर कौन सा चूड़ा पहने, चूड़ी पहने या लिपस्टिक लगाएं, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अभी किसी को ले आऊँ है ना, फिर बात करते हैं। दूदू वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग को मेरे ब्लॉग का हमेशा ध्यान रहता है, हमेशा याद करते हैं आप लोग, तो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ आज का नया ब्लॉग, और जिसमें कि मैं यूज़ कर रही हूँ अपना नया हेयर केयर प्रोडक्ट, जो कि मैं आप लोग के साथ में बहुत जल्दी इनकी सीरीज़ जो है शेयर करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ सिया वर्क थ्रोन और शॉप ऑलमेटो की सीरीज़, बहुत ही गजब सीरीज़ है। बालों में ना जो थिकनेस दिखेगी आप लोग को, वो रील्स में ऑलरेडी दिख जाएगी, बट यहाँ पर जो मैंने जेल यूज़ किया है वो बर्ड डॉग रूट्स का जेल यूज़ किया है, ठीक है। वो मैंने बनाया हुआ था तो मैंने कहा चलो ठीक है, बर्ड रॉक जो हमारा जेल है, बर्ड रॉक रूट्स का जो जेल है वो यूज़ करूँगी इस मास्क को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जेल बना कर रखा हुआ था। मैं हमेशा ना कुछ नया बना करके रख देती हूँ, जैसे कि जेल हो गया या फिर नाइट हेयर पैक हो गया या फिर टॉनिक हो गया या फिर सिरम हो गया, और उसको बना के रख देती हूँ। जब भी मुझे हेयर मास्क लगाना होता तो फिर मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास मेरा टाइम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, और अगर मैं अपने बालों को अच्छा नहीं करूँगी, देखो जो चीज़ें सच हैं, रियलिटी है, वही चीज़ आप लोग को हम शेयर करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरे बाल अच्छे नहीं होंगे, मैं अपने बालों का ध्यान नहीं रखूंगी, तो डेफिनेटली मैं आप लोग के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। और आजकल लोगों को ना सबूत चाहिए होता है, सच जो होता है ना वो छुप जाता है, जो झूठ होता है ना वो बढ़ चढ़ करके सामने आता है, प्रेजेंट होता है। तो मैंने आप लोग के साथ में अपने बालों को बहुत अच्छा करना है और साथ में आप लोग के बालों के लिए भी सोचना है। आप लोग के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च करती हूँ, बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ और आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, लाइक आपका जो स्किन केयर की सीरीज़ है जो मैंने आप लोग के साथ में अभी ना देखो करवा चौथ स्पेशल जेल शेयर किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका, मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ और कंटिन्यूसली मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब डेली लगा रही हूँ, एक दिन में दो बार, तीन बार, चार बार लगा लेती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। और लगाकर 10 मिनट छोड़ देती हूँ, 20 मिनट छोड़ देती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, फिर उसके बाद से मैं वॉश कर देती हूँ। आप लोग लगाइए, बहुत अच्छे उसके रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। तो यहाँ पर जो मेरा हेयर पैक है वो रेडी हो चुका है, ये नया हेयर मास्क है, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपना मिस्ट अपने बालों में सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा देती हूँ। ये मेरे बाल ना जिसमें कि मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाया है, शैम्पू किया हुआ था और रिंस वाटर और भाई आपका टोनर लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग अपने बालों में कर लेंगे अपनी लेंथ हेयर ऑयलिंग, क्योंकि ना जो लेंथ में जो ऑयलिंग होती है ना वो अलग होती है मेरी। मैं अभी ना अपने बालों की ना थोड़ा सा ज़्यादा केयर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ना बहुत ज़्यादा घने बाल चाहिए, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ उतना तो हो ही जाएगा खैर, तो मुझे थोड़ा सा अपने बालों को घना करना है, तो इसलिए मैं ना अभी अपना बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। जैसे भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी लेंथ पर ऑयलिंग करने के लिए, ये मेरा हेयर लेंथ का ऑयल है, शिया वर्क थ्रोन एंड सॉप ऑटोमेलो का, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। देखिए मैं आप लोग के साथ में ना इनडायरेक्टली इन्ग्रीडियंट्स और इनडायरेक्टली जड़ी बूटी का नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ, ना ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं जो ना मेरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो ना स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना, बट आपको नहीं पता है ना कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ में नहीं शेयर कर सकती हूँ, और कुछ टाइम बाद मैं शेयर करूँगी जब मैं उनका यूज़ कर लूँगी और मुझे जो रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने उसको ना हफ्ते में तीन बार लगाया है, ये मेरा तीसरा वीक है, और मुझे ना तीसरा कह रही हूँ दूसरा वीक है, और मुझे ना काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं, बालों में ना थिकनेस बहुत अच्छी आई है। आप लोग मेरी रील्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे लगा रही हूँ मैं इस ऑयल को, हमारा जो स्कैल्प ऑयल है, रूट्स ऑयल है, वो अलग है, वो मैं लगाऊंगी अभी, तो मेरे को ना टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा था कि चलो कोई नहीं टाइम नहीं मिला है, तो उस हिसाब से मैं अपना हेयर केयर रूटीन जो है ना एक्स्ट्रा और बहुत ही अलग तरीके से थोड़ा सा करना पसंद करती हूँ। अगर मैंने दो दिन के लिए अपने बालों में ऑयलिंग करी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर आपने दो दिन के लिए बालों में ऑयलिंग नहीं करी है तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने बालों से प्यार है, जिनको हेयर केयर के बारे में पता है, जिनको नहीं पता है उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ स्कैल्प ऑयलिंग। स्कैल्प ऑयलिंग मेरी जो है वो है हमारा रूट्स ऑयल जो हमने लगाया है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑयल है, इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो भी इंग्रेडिएंट मेरे बिल्कुल नए हैं, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी इसको जब धीरे धीरे, तो आप लोग को पता लगेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें दीदी यूज़ करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो इसमें ऑयल यूज़ किया है, जो लेंथ पर लगाया है, वो है आपका शॉप एट मेलो और आपका शिया वर्क थ्रोन का, और जो रूट्स ऑयल मैंने बनाया है वो हॉर्स टेल और बर्ड डॉग और आपका लेवेंडर का,
ठीक है, तो ये मैं आप लोग के यहाँ पर साथ में शेयर कर दे रही हूँ। अश्वगंधा भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर मैंने ना अपने बालों में अच्छे से प्रॉपरली ऑयलिंग कर ली है, लेंथ पे भी और अपने स्कैल्प पे भी। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे अपने बालों पर अच्छे से मसाज। यहाँ पर मैं ना एक और नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ये जो आप लोगों ने कटोरी में देखा है ना, ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं ना अभी नया स्टार्ट किया है। मुझे ना वीक का 2 या 3 दिन हुआ होगा, मतलब एक हफ्ता भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे, मतलब एक बार मैंने लगा करके इस टाइप का वॉश कर लिया है हेयर, और उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। नए नए बेबी हेयर आए हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं 2 दिन ऑयलिंग करती हूँ, जैसे मान लीजिए मंडे ट्यूसडे ऑयल है, वेनसडे को हेयर मास्क लग जाएगा, फिर वेनसडे और थर्सडे आपका हेयर ऑयलिंग है, और आपका फ्राइडे को कोई भी पैक लगा लीजिए, स्मूदनिंग पैक लगा लीजिए, लेप लगा लीजिए, हेयर ग्रोथ पैक लगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, और अगर आप चाहें तो रात में भी लगा सकते हैं, जैसे टॉनिक है, सिरम है, नाइट हेयर पैक है, तो आप जैसा अच्छा लगे, आपको जैसा कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो है ना मसाजर स्टार्ट कर दिया, मसाज करने के लिए इसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से परचेज कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ ना कि कोई भी चीज़ अगर आप लोग के समय शेयर किया जाए। तो सो गाइस, पैक लगा लिया है और नेल सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं, अभी मैं नेल पेंट लगाऊंगी इसमें, ठीक है। और फिर आज मेकअप लुक शूट करना है मुझे, साड़ी पर बहुत डिमांड आ रही है। अब ये दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो और ये मैंने यहाँ पर सामान निकाला, रिंस वाटर टोनर और शैम्पू बनेगा, क्योंकि मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में, और उसको सबसे पहले दूध पिला दूँ। इतना काम होता है ना, इतना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, और इतना ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो गया बॉडी में। चलो दूध पियो पहले। चलो गाइस, मैं ना उसको दूध पिलाकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलो बाय करो सबको। सो गाइज, कृष्णा को दूध पिला दिया है, और अब लाडू सो रही है, दिखाते हैं, बहुत स्टाइल से सोती है। नहीं सोगे, उठना है। ओले ओले ओले, उठ गया बिल्ला, उठ गया बिल्ला। चलो बाय कर दो शुक्को। लाडो ओए, लाडो बाय कर ना। ए लाडो, फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया है, बाल मेरे ड्राई आउट हो चुके हैं, और मैंने नेल पेंट भी चेंज कर लिया अपनी, और मैं अब जा रही हूँ मेकअप की वीडियो शूट करने, करवा चौथ स्पेशल। तो आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज, यहाँ पर मैं ना रेडी हो चुकी थी, थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, बाकी आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, मैं लेट हो गई। मैंने सोचा था पहले ब्लॉग डालूंगी फिर वीडियो डालूंगी, बट क्या हुआ ना कि उल्टा हो गया, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और लोगों को मेकअप लुक करना था। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम साड़ी का वेट कर रहे हैं कि आप साड़ी पहनेंगी जिसपे, तो वही वाली मेकअप लुक हम लोग भी करेंगे, मुझे आपको देखना है साड़ी में। मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो फिर ये जो साड़ी है मैंने ना मिंत्रा से नहीं, हाँ मीशो से ली हुई है, और इसका मैंने डिटेलिंग वीडियो डाल दिया अपने इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी साड़ी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसी दिख रही है आपको वीडियो में ना, उससे लाख गुना अच्छी ये साड़ी सामने से आपको हाथ में लेकर लगेगी। मस्त है साड़ी, आप लोग ले सकते हो। ब्लाउज़ मैंने खुद से स्टिच करवाया है, तो इसको डिटेलिंग में अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली डालूंगी। और यहाँ पर मैंने रील बना ली थी, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, म्यूट कर दिया है, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि कॉपीराइट क्लेम आए, और आप लोग ना ब्लॉगिंग को बहुत सारा प्यार नहीं देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी ब्लॉगिंग, पता है 1.5-2 घंटे की ब्लॉगिंग होती है, जो कि छोटा करके 8 से 9 मिनट या 10 मिनट का किया जाता है, तो आप लोग देखो प्यार दोगे तभी मैं आप लोग के साथ में ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि ना मैं इतनी बड़ी बड़ी जो वीडियो है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो ना पोस्ट करना, एडिट करना, फिर आप लोग के साथ में शेयर करना, तो मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और देखो मैंने करवा चौथ मेकअप लुक कब शेयर किया था, और उसी की 1-2 दिन पहले की, मतलब उसी दिन की वीडियो है ये, बाकी क्लिप्स मैंने इसमें ऐड करी हुई हैं 1-2 दिन पहले, और मैंने अपनी हेयर केयर रूटीन भी फॉलो करी है इसमें, वो सारा आप लोग देखिएगा। जब आप अपनी हेयर केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो आपका जब हेयर अच्छा होता है ना, हैवी होता है, घना होता है, थिक होता है, भारी होता है, तो आपके पर हर आउटफिट अच्छा लगता है। साड़ी डाली है, और अभी मैं ना बैंगल्स मैंने मंगाए थे मीशो से, तो वो ना शेयर कर देती हूँ आप लोग को, बहुत सारे बैंगल्स। तो चलो मैं थोड़ा सा ना आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ धीरे धीरे, और मेरा ये साड़ी भी बहुत प्यारा सा है, कहाँ दिखेगा आप लोगों को। चलो आप लोग इंस्टा पे ही देखना ना, लाडो सोरी है। ये सारा काम निपट गया है, मैं तैयार वगैरह होकर के वीडियो बना चुकी हूँ, और रील्स वगैरह आप लोगों ने सबने देख ही ली होगी, तो अब बस मैं आपको खाना खिला रही हूँ यहाँ पे।
सो गाइस चलो मैं ना आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।